नींबू 300 रुपए किलो महंगा हो गया है, गर्मी ने अपना ताप दिखाना शुरू कर दिया है और महंगाई ने भी अपना ताप दिखाना शुरू कर दिया है। 300 रुपए किलो महंगा हो गया नींबू। अब मैं जानता हूँ लोगों से कि नींबू महंगा होने से उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, और दुकानदारों से भी जानूंगा कि महंगाई को लेकर उनकी क्या राय है। हमारे साथ भैया हैं, उनकी सिकंजी की दुकान है। भैया, 300 रुपए किलो महंगा हो गया नींबू। सर, नींबू महंगा होने से एक तो दुकानदार का मार्जिन ख़त्म हो गया है, हमारा जो मार्जिन था वो पूरा ख़त्म हो गया है। जैसे हमें एक नींबू पड़ रहा है 15 से 20 रुपए का, एक नींबू पड़ रहा है हमें इस टाइम पे। अगर हम कस्टमर को कहते भैया 30 रुपए 40 रुपए गिलास है, तो कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको एक्सपेंसिव लगता है। कस्टमर को आदत पड़ी हुई है नींबू पानी पीने की 10 रुपए की 15 रुपए की, और 10-15 रुपए लाजिम सी बात है, सही भी है प्राइस। अगर एक महंगा हो जाता है तो कस्टमर की भी कमर टूटती है, दुकानदार की भी कमर। कितना इफेक्ट पड़ रहा है आपको नींबू महंगा होने से आपके धंधे पर? 50% का, पूरा 50% का फर्क पड़ रहा है। इस टाइम जो नींबू सिकंजी पीता था वो आप 15 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। क्राउड आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब खत्म ही हो गया पूरा क्राउड? क्राउड तो पूरा खत्म हो गया है जी, क्राउड तो अभी आप देख सकते हो पूरा खाली पड़ा हुआ है। और थोड़ा महंगाई की भी मार है, और महंगाई से तो पब्लिक त्रस्त हो चुकी है, थोड़ा गवर्नमेंट को इस पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब आपको लगता है कि महंगाई पर सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई के दाम थोड़ा कम करे? हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि थोड़ा सा सरकार को इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि ये महंगाई जो है पब्लिक को इससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और जो धंधे हैं लोगों के, जो रोजी रोजगार है, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि पब्लिक से ही हमें पैसा निकालना है। जब उनकी जेब में पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ से निकाल पाएंगे? रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जनता की जेब में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। भैया, नींबू महंगा होने से क्या असर पड़ रहा है आपके ऊपर? काम पे असर पड़ गया भैया, बहुत से लोग अब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नींबू पानी नहीं पी पा रहे हैं। मतलब अब आ रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे? आ रहे हैं, लेकिन पी नहीं पा रहे हैं महंगाई चक्कर में। ये महंगाई की मार बहुत ज़्यादा पड़ी है, जिससे ऑटो वाले और CNG रेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। एक तो ऑटो वालों को दिहाड़ी निकालना मुश्किल हो जाता है मालिक की, बहुत से लोग जो ऑटो दिहाड़ी पर चलाते हैं, अब पहले वो आते रोज 2.5 रुपये 3 रुपये CNG के रेट बढ़ जाते हैं, पर डे का ये हिसाब है। इतना बढ़ेगा तो आदमी खर्चा पानी कैसे निकालेगा? मतलब आप कहते हैं कि सरकार को महंगाई कम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, हम ये चाहते हैं कि महंगाई कम करना चाहिए, सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। अच्छा, CNG महंगा हो गया, कितना सवारी आ रही है अब आपके पास? CNG महंगा, सवारी तो पहले भी इसमें धूप में कौन आ रहा है, सवारी कितनी मिलती है? बहुत कम सवारी मिलती है, लेकिन CNG के तो वही रेट है, दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। खर्चा पानी निकल जा रहा है? बहुत ही कोशिश करने पर निकलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कहीं खर्चा पानी पूरा भी निकल पाता है। पहले मालिक की दिहाड़ी निकालनी पड़ती है, फिर CNG का खर्चा, बाकी अपने खर्चे भी निकालने पड़ते हैं। अब क्या बताएं, महंगाई तो है ही है, अब इतनी महंगाई में मतलब ज़्यादा जो मार पड़ती है वो गरीब जनता के ऊपर ही पड़ती है। अब गरीब जनता क्या करे, इतनी ज़्यादा कमाई नहीं है, तो यह कि गरीब जनता अब कैसे कमाए और कैसे खाए। मतलब सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए आप लोगों पे। सरकार क्या करे, सरकार तो अपनी आँख मूंद करके बैठी हुई है, वो गरीब जनता की तरफ को देख ही नहीं रही है, अब अपने जो है अपने बारे में सोचती है। मैं इसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ। मतलब सरकार ध्यान नहीं दे रही गरीब जनता को, सिर्फ और सिर्फ मारने पे लगी। बिल्कुल यही बात है, और कुछ नहीं है। सरकार ने जो गलत कर रहा है, जो अभी CNG का दाम रेट बढ़ा दिया है, नींबू का भी रेट बढ़ा दिया है, हर चीज़ का रेट बढ़ा दिया है, ये गलत कर रहा है। मतलब नींबू का भी दाम बढ़ गया, कैसे सब कर रहे हैं आप? मुझे कैसे बोला कि आप प्रधान मुख्यमंत्री बताएगा, परेशान तो आप हैं, मुख्यमंत्री जी क्या बताएंगे? परेशान तो मैं हूँ, रोड पर काम धाम नहीं है, CNG का तो रेट बढ़ा दिया है, 1000 रुपये में कमाने मुश्किल हो जाता है। सर, महंगाई तो इतनी हो गई, पहले मेरे में 80 किलो वेट था, अच्छा खासा था, और अब 55 किलो वेट रह गया है। महंगाई से ताल्लुक है इसका, मैं आपको शुद्ध हिंदी में बोलूँगा, महंगाई से ताल्लुक है, क्योंकि महंगाई जब हो रही है, पहले क्या था, पैसे थे, कुछ भी खा लो मन करा, नींबू तो बहुत छोटी चीज़ है, जो मन किया वो खा लिया। अब सोचते हैं, 10 बार सोचना पड़ता है कि इस चीज़ को खाएं या नहीं खाएं, तो नहीं खाएंगे तो बॉडी कहाँ से बनेगी, तो इसलिए वेट कम हो गया। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूथ को क्या कहेंगे? यूथ को मैं तो कहूँगा, भाई जी मेहनत करो, और महंगाई जैसे हो रही है वैसे ही, लेकिन कमाई कम हो रही है लोगों की, कोरोना टाइम में बहुत लोग परेशान हो गए हैं, तो यार अपना काम देखो, अच्छे से मेहनत करो। दिल्ली में पारा 42 के पार जा चुका है, लोग गर्मी से बेहाल हैं। दिल्ली में गर्मी कम थी क्या कि महंगाई ने भी अपनी गर्मी दिखाना शुरू कर दिया है।
नींबू 300 रुपये किलो पार जा चुका है। जनता परेशान है, जनता महंगाई से त्राही माम कर रही है, लेकिन अब देखना होगा आने वाले वक्तों में कि महंगाई कहां जाकर रुकती है। मैं चंदन पांडे, कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज वॉच इंडिया के लिए।